ఇప్పుడు మనకు మనవులు మన పడిలో ఇది వచ్చింది కదా ఇవి వచ్చే గొప్పదర్శి వచ్చింది दूसरों को अच्छे दूसरा ये मत चला कुछ है नया आप मालूम नहीं कर रहे थे माँ नहीं कर चुके थे మనకేమవసరం కాకపోతే డెవలప్ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ప్రకారంగా వర్క్ చేస్తున్నాం బిల్డింగ్స్ అనేది డిస్మెంటల్ ఉంటుంది కూడా చేసి విత్యాల మండలం అర్బన్ రిచార్డ్ టౌన్ మండలం ఏ స్కూల్ పేర్లు వచ్చాయి వాటి అన్నిటికీ ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ కావాలి తమ కొడుకు ఆడిటోరియం కూడా కావాలంటుంది అవుతుందా బేసికల్ ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ లేవు సరిగా కాంపౌండ్ కూడా మంచిగా లేదు कंपाउंड अच्छा है बॉयज गर्ल्स को वॉशरूम दे बाथरूम जाने के लिए जरूरत जाने के लिए और कुछ क्लासरूम्स होना है और कुछ कचरा है वैसा है तो क्या होना है थोड़ा लिख के दीजिए आप लिख के दिए तो उसके बाद स्कूल को पैसा देने के लिए तैयार है मैं कैसा क्या क्या होगा बच्चे आप देना आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ता स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है पेरेंट्स कमिटी कौन है चेयरमैन साहब एग्जाम देने का थोड़ा गैस दे दे इसमें ఫిజిక్స్ జరుగుతా ये थोड़ा गाड़ी नहीं बाजू में हटो सर सब जरा खरीद लिया जगीत्याल के उर्दू मीडियम स्कूल कैसा चल रहा है क्या 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 सहूलत है क्या सहूलतों का ज़रूरी है देखने के लिए यहाँ आए से जब मेरे साथ में ऐसा यहाँ के काउंसलर गाँव
आके आजू बाजू के काउंसलर्स हमारा राजीव भाई, शकील भाई, दे आर उर्दू मीडियम स्कूल फोर्टे स्कूल, बहुत सालों के मैं बहुत बार इससे पहले देखा था, मगर जीतने के बाद मना नहीं हुआ इधर। आज आके इसको देखेंगे, आप सबको मालूम मैं जीतने के बाद ये सरकार आने के बाद एक साल तक इलेक्शन ही चलते रहे, एक साल सरकार है, उसके बाद भी एकदम कोरोना आ गए, दो साल पूरे स्कूल बंद ही थे, अभी शुरू हुए। अपने तेलंगाना रियासत के सीएम साहब, केसीआर साहब, एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर एक स्पेशल फोकस देके ये पूरे सरकार स्कूल है इसको अच्छा करना, जिसमें बच्चे ज़्यादा है वो स्कूल्स तरक्की करना बोल के 65% ऑफ द चिल्ड्रन 65% के बच्चे क्या क्या कौन सा स्कूल में पढ़ रहे उसको पहले मौके पे 7,600 करोड़ रुपए से एक एक्शन प्लान लगा, उसमें फोर्टे स्कूल का भी है और बहुत सा स्कूल से क्या है यहाँ पे, टोटल डिजिटल कॉन्स्टेंस में 195 स्कूल्स का डिजिटल कॉन्स्टेंस। मैं भी इसके ऊपर एक रिव्यू लेके डीओ साहब से और एमईओ से बात की, कौन सा स्कूल्स को क्या ज़रूरत है लेना पड़ता, थोड़ा इतने सालों से थोड़ा गैप आया। मैं इसके ऊपर शिकायत ना कर रहा हूँ, मगर हमारा हेडमास्टर साहब रहीम साहब को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आइए साहब, हेडमास्टर साहब से और एमईओ मैडम से रिक्वेस्ट है, आप सब अखबारों में और टीवी मीडिया में देख रहे हैं ये करने वाले हैं बोल के, और जियो कब आया हम स्कूल आइडेंटिफिकेशन, ऑलमोस्ट 1-10 दिन हुआ, बीच में अपना मिनिस्टर साहब भी रिव्यू लिए, यहाँ क्या क्या होना बोल के इससे पहले थोड़े मोहल्ले के बुजुर्गों थे ओल्ड स्टूडेंट्स मुझे बोले थे कंपाउंड वॉल टॉयलेट्स उसका प्रॉब्लम है, क्लासरूम से निकल के आप लोग प्रपोजल्स दीजिए, ज़रूर फोर्टे स्कूल के तरक्की के लिए कंपाउंड वॉल टॉयलेट्स के लिए मेरे तरफ से काम करूँगा, और टॉयलेट्स के लिए म्यूनसिपलिटी से भी लगा है, परसों काउंसिल में भी पास करे और कंपाउंड का भी जो है और एडिशनल क्लासरूम्स जितने भी ज़रूरत है उसके लिए हम पूरे तरह से कोशिश करूँगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इसका स्कूल का नाम भी है। मैं यहाँ आज जब मुझे इस्तकबाल करें मेरा अजहर अजहर भाई को और साथियों को हमारे शाकिर भाई को सबको सलाम।